नमस्कार दोस्तों, डी टेक में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपका होस्ट शुभजीत। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोग कैसे जो अपना करंट अकाउंट है या फिर मैं कहूँ कॉर्पोरेट अकाउंट है उसमें आप लोग कैसे ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी ले सकते हैं। और ये जो करंट अकाउंट होता है इसमें जो आपका ऑनलाइन बैंकिंग का जो प्रोसेस है ये आपके जो पर्सनल बैंकिंग लेने का जो प्रोसेस है उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको सबसे पहले SBI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको वहाँ पे जाके जो फॉर्म्स हैं उनको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप जिस किसी भी प्रोडक्ट को अगर सिलेक्ट करते हैं उसका एक फॉर्म है उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करना पड़ेगा और प्रिंट आउट करके आप लोग उसको फिलअप करके अपने जो नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ पर जाकर उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ब्रांच की तरफ से आपको एक किट प्रोवाइड किया जाएगा और ये किट आप जो प्रोडक्ट लेंगे मतलब आप अगर सरल लेते हैं तो वो एक सिंगल ऑपरेटेड अकाउंट है और आप अगर व्यापार या विस्तार जैसे प्रोडक्ट लेते हैं तो वो मल्टी ऑपरेटेड है, मतलब आपको एक से ज़्यादा किट मिलेंगे। तो इन सभी किट्स की मदद से आप लोग अपना जो पहला जो लॉगिन प्रोसेस है मतलब जो यूज़र आईडी, पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो होता है वो सब आप इस किट की मदद से सेट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग लेने का। तो इनका मैंने कुछ स्टेप्स में या फिर मैं को कुछ वीडियोस में इनको डिवाइड किया है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगी तो आप लोग उस लिंक में क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं या फिर आप लोग मेरे चैनल में जाइए वहाँ पे आप लोगों को एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जिसकी मदद से आप लोग जो भी इस वीडियो सीरीज़ के रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होंगे वो आपको एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ये पहला वीडियो है तो इस वीडियो में मैं लोगों को बताऊँगा कि आप लोग SBI की तरफ से आप लोगों को कौन सी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि आपको नेट बैंकिंग लेने से पहले आपको सिलेक्ट करना होता है। तो हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं SBI के जो ऑफिशियल कॉर्पोरेट बैंकिंग का जो वेबसाइट है वहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट नाम का एक टैब आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि पहला है खाता, दूसरा है खाता प्लस, तीसरा है सरल, चौथा है व्यापार और पांचवा है विस्तार। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खाता और खाता प्लस अकाउंट में। जो खाता और खाता प्लस अकाउंट है वो काम एक ही करता है, बस खाता प्लस अकाउंट में आप लोगों को मल्टी यूज़र मिलते हैं मतलब एक से ज़्यादा लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं और जो खाता अकाउंट है उसको बस एक ही व्यक्ति एक टाइम पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये खाता अकाउंट में हमको मिलता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्वायरी राइट्स ऑन द अकाउंट, मतलब कि आपको सिर्फ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके अकाउंट के बारे में जैसे कि बैलेंस चेक, डाउनलोड अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ योर अकाउंट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आप लोग मैंने जो बताया आप लोग वो क्रेडिट डेबिट जो ट्रांजेक्शन है वो वगैरह देख सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप। तो इस खाता और खाता प्लस अकाउंट में आपको कोई ट्रांजैक्शन राइट नहीं मिल रहा है, मतलब आप किसी को यहाँ से पैसे भेज नहीं सकते। आप लोग बस अपने जो ट्रांजैक्शन है उसको एक हिस्ट्री मतलब जो स्टेटमेंट होता है उसको बस देख सकते हैं यहाँ से और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसके लिए आपको इन तीनों में से किसी एक को चुनना होगा। सबसे पहला है सरल, ये सरल जो प्रोडक्ट हैं ये छोटे बिजनेसमैन के लिए जो स्टार्टअप होते हैं समझिए किसी की शॉप है तो ये सरल जो प्रोडक्ट हैं ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें हमको जो सारे ट्रांजैक्शन राइट्स हैं तो होते हैं जैसे कि NEFT, RTGS, GRPT और जो IMPS वगैरह जो होते हैं तो वो सारे यहाँ पे हमको मिल जाते हैं। और जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो सेम ब्रांच में 25 लाख तक आप एक ही दिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और 10 लाख तक आप डिफरेंट ब्रांचेस में आप लोग 10 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग अगर कोई टैक्स वगैरह पेमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2 करोड़ तक पर डे की लिमिट यहाँ पे दी हुई है। अगर आप कोई गवर्नमेंट साइट को अगर आप पे कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पे 2 करोड़ तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और हम लोग हम चलते हैं देख लेते हैं कि ये व्यापार अकाउंट किस काम आता है। ये व्यापार अकाउंट जो है ये थोड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कोई अगर प्राइवेट लिमिटेड हो गया या फिर
कोई ऐसे बिजनेस हो गया जिसको थोड़े से बड़े स्केल में होता है, जैसे कि कोई फैक्ट्री वगैरह, तो उन सभी के लिए ये व्यापार अकाउंट बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आपको 50 लाख तक जो आपका ट्रांजेक्शन लिमिट है पर डे की यहाँ पे मिल जाती है। और अब हम लोग देख लेते हैं कि ये व्यापार अकाउंट किन के लिए है और ये किस काम आता है। व्यापार अकाउंट जो है वो बिल्कुल सरल की तरह है, बस आपको यहाँ पे मल्टी ऑपरेटेड अकाउंट मिलता है, मतलब कि यहाँ पे आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स मिलता है और दूसरा दो यूज़र आप वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको कोई ट्रांजैक्शन राइट नहीं मिलती है। जो ट्रांजैक्शन होता है वो आपका जो दो यूज़र आप क्रिएट करेंगे, मतलब जो रेगुलेटर आप क्रिएट करेंगे, तो वो दोनों ही आपका जो भी पैसा है वो वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप बस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से आप लोग वो दो यूज़र के रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि कौन कितने पैसे ट्रांसफ़र करेगा, ये सारे रूल्स आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से क्रिएट कर सकते हैं। और जो रेगुलेटर है, मतलब जो यूज़र आप लोग आप दो यूज़र क्रिएट करेंगे आपके स्टाफ के लिए, तो वो लोग वो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो वहाँ से हो जाएगा। तो इसका जो लिमिट है ये आपको 50 लाख तक पर डे का लिमिट मिल जाता है, और जो टैक्स वगैरह पे करने के लिए वो यहाँ पे भी 2 करोड़ तक ट्रांजेक्शन लिमिट यहाँ पे दी हुई है। और पांचवा है आपका यहाँ पे विस्तार अकाउंट, तो ये थोड़ी सी बड़ी होता है, तो उन सभी के लिए ये डिज़ाइन क्यों है। तो आप लोग अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग आपके जो नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ पे जाइए और आपके जो ब्रांच मैनेजर है उनसे बात कर सकते हैं। आपके जो नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ पे जाइए और आपके जो ब्रांच मैनेजर है उनसे बात कर सकते हैं आप लोग, तो वो आपको इस विस्तार अकाउंट के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मुझे यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे जो दूसरे इस कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट के रिलेटेड जो भी दूसरे वीडियोस हैं वो आप लोगों को धीरे धीरे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेरे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे यकीन है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं तो आप लोग जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपके जो दूसरे वीडियोस हैं वो उनके लिंक आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे जो फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, मैं उस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप लोग चाहें तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप ब्लैक अकाउंट को क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा बहुत मज़ा।